गाइस लास्ट 2 ईयर से देखा जाए तो सैमसंग M50 सीरीज में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता हुआ आया है। 2020 में सैमसंग ने गैलेक्सी M51 को स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ में लॉन्च किया था। वहीं 2021 में सैमसंग ने गैलेक्सी M52 5G को स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ में अनाउंस किया था। लेकिन इस बार जो गैलेक्सी M53 5G स्मार्टफोन होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। इस बार इसके कैमरे मॉड्यूल में प्राइमरी सेंसर को काफी अच्छा अपग्रेड किया है, बाकी जो तीनों कैमरास है उनको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस को भी इस बार M52 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। लॉन्च डेट फाइनली गाइस इस स्मार्टफोन की कंफर्म हो चुकी है। ये स्मार्टफोन इंडिया में 22 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M53 5G की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और इंडिया प्राइस के बारे में। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले देखते रहने के लिए। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो गाइस इसके फ्रंट में इन्फिनिटी ओ कट डिजाइन में 6.7 इंच की बड़ी साइज वाली सैमसंग की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि फुल एचडी प्लस और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आएगी। और इसमें 800 निट्स की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस और स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज का सुपर हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। तो डिस्प्ले काफी इस स्मार्टफोन की स्मूथ और ब्राइट रहने वाली है और आउटडोर कंडीशन में भी आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। वहीं इस बार ये स्मार्टफोन M52 के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट लुक और डिजाइन के साथ में आने वाला है, जो कि अभी रिसेंटली ही हमें गैलेक्सी M33 5G में भी देखने को मिला था। और इसके रियर में भी आपको सेम स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो शूटर देखने को मिलेगा अलोंग विद LED फ्लैश लाइट। और इसके फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा होगा। तो इस बार सैमसंग इसके रियर में 108 मेगापिक्सल वाले सेंसर को ऑफर कर रहा है, जिसकी मदद से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर पाओगे। तो कैमरा क्वालिटी भी गाइस आपको इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। वहीं ये स्मार्टफोन M52 के जैसे 7.4 mm की थिकनेस वाला काफी स्लिम और 176 ग्राम लाइट वेट वाला स्मार्टफोन होगा। और इसके बॉटम में स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगी होगी, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और ये चार्जर आपको इस बार अनफॉर्चुनेटली बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो गाइस इस बार सैमसंग इस स्मार्टफोन को मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 चिपसेट के साथ में लॉन्च करने वाला है, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ 5G चिपसेट है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से, तो इसकी परफॉर्मेंस हमें स्नैपड्रैगन 765G से थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, लेकिन M52 के कंपैरिजन में इस बार इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। इसके अलावा गाइस आपको इस स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, NFC, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, 10 5G बैंड और लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं अब इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस इंडिया में 28,000 से 30,000 रुपए के अराउंड देखने को मिलेगी। तो गाइस क्या आप सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी M53 5G के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।